नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। अभी तक हम लोग 4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो चैप्टर टॉपिक देख लें जाकर। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। इसमें बात करते हैं हम लोग भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण इसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण इसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। यह राजस्थान के पश्चात देश का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। याद रखिए, जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, तब तक मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था। जैसे ही 2000 सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया मध्य प्रदेश से, नया राज्य बना दिया गया, तब से राजस्थान पहले पर, मध्य प्रदेश दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। पंडित नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के मध्य से गुजरती है। वही 14 जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश के। कौन कौन है, कर्क रेखा पर अवस्थित हैं रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। ठीक है, कौन कौन से एक बार और देख लीजिए, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। ठीक है, इसकी बात करें अक्षांशीय विस्तार की, मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 48 पूर्वी दिशा में। चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है, और लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण तक तो 605 किलोमीटर। ठीक, अब बात कर लेते हैं सीमावर्ती प्रदेश। तो जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से को छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। ठीक है, सीमा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से लगती है और सबसे कम गुजरात से, बड़ोदरा जिले से। ठीक है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी और उत्तरी सीमा चंबल नदी। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है और उत्तरी सीमा चंबल नदी। बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जिले। पड़ोसी राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जिले देखते हैं। उत्तर प्रदेश से 13 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन सा, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिगरौली। ठीक है, राजस्थान से बात करें जो अभी नया जिला टीकमगढ़ बना है, ये भी उत्तर प्रदेश से ही, सॉरी नया जिला जो निवाड़ी बना है टीकमगढ़ से अलग करके, वो भी उत्तर प्रदेश से ही सीमा लगती है। तो 14 राज्य हो गए। ठीक है, याद रखिए। राजस्थान की बात करें तो 10 जिले हैं। कौन कौन से, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, मुरैना। महाराष्ट्र की बात करें तो 9 जिले लगते हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। गुजरात की बात करें तो 2 जिले लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 6 जिले लगते हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्यों के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले लगते हैं। कौन कौन सा, आगरा, इटावा, उरई, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट। छत्तीसगढ़ के 6 जिले, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव। राजस्थान के 10 जिले, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़,
बारा सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली। गुजरात के दो जिले बड़ोदरा, दमोह। और बड़ोदरा से, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है। गुजरात के हैं दमोह और छोटा उदयपुर, ठीक है। गुजरात के जिले लगते हैं छोटा उदयपुर और दहोद, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो नौ जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के? नंद, भोल, भूसावल और अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुल्ढाणा, जलगांव, नंदू, नंदुरबार और गोंदिया, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश में आता है। पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ का मैदान, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पर ताप्ती नदी घाटी, महाराष्ट्र का विस्तृत पठार है। उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश तथा सीमा गंगा यमुना के मैदान से बनती है। इस मैदान का आंशिक भाग मध्य प्रदेश की सीमा में आता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को निम्नलिखित भौगोलिक विक्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना की बात करें तो इसमें मध्य उच्च प्रदेश, इसमें मध्य उच्च प्रदेश में आता है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। फिर है सतपुड़ा मैकाल सरणी, फिर है पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मध्य उच्च प्रदेश के बारे में। नर्मदा सोन घाटियाँ एवं अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार पठार मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमा उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। विंध्याचल, भांडेर तथा कैमूर की श्रेणियाँ इसी प्रदेश का भाग हैं। इस प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, कैन। उत्तर की ओर संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसे बहते हुए यमुना में मिल जाती है। इसी कारण मध्य उच्च प्रदेश को गंगा की बेसिन के का हिस्सा ही माना जाता है। फिर है मध्य भारत का पठार। यह पठार पश्चिम से राजस्थान की ओर, उच्च भूमि दक्षिण में मालवा का पठार, उत्तर में यमुना का मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा हुआ है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, नीमच, मंदसौर आदि जिलों में। जलोढ़ निक्षेप से बनी चंबल घाटी इसी का अंग है। चंबल का यह प्रदेश 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा के कारण उप आर्द्र कहा जाता है। प्रमुख उद्योग धंधों की बात करें तो कैलारस, डबरा, गुना में शक्कर कारखाना, ग्वालियर में बिस्किट, चीनी के मिट्टी के बर्तन, किंतिम रेशा, शिवपुरी एवं बानमोर में कत्था कारखाना। बानमोर में सीमेंट एवं चमड़ा उद्योग भी है। नीमच में एल्को यार्ड फैक्ट्री भी है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। प्रमुख नदियों में शामिल है चंबल, सिंध, पार्वती, कुमारी और कुनो। प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं ग्वालियर दुर्ग, गुंजरी महल, हिडोला, मोती महल, सास बहू का मंदिर, सरोद घर, तेली का मंदिर, तानसेन एवं मोहम्मद गौस का मकबरा, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान। बीहड़ समस्या से प्रभावित जिलों की बात करें शिवपुर, भिंड, मुरैना। जलाक्रांत एवं मृदा अपरदन प्रमुख समस्या है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत इस पठार में छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी की पिछोर एवं करेरा तहसील, ग्वालियर की डबरा, भांडेर, भिंड जिले की लहार तहसील सम्मिलित हैं बुंदेलखंड पठार में। उत्तर प्रदेश के पांच जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा का विस्तार भी इसमें है। याद रखिए निवाड़ी जो जिला बना है टीकमगढ़ में वो भी इसी में है, ठीक है।
इस पठार अपरदित सतह का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस प्रदेश की उत्तरी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ का मुख्य उपज है तेंदुपत्ता। सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। उद्योग धंधों की बात करें तो चंदेरी की जरी उद्योग, छतरपुर दतिया टीकमगढ़ में सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग है। प्रमुख नदियों की बात करें बैतबा केंद्रसान है। दर्शनीय स्थल हैं खजुराहो के चंदेल मंदिर, चंदेरी का किला, ओरछा बुंदेल राजाओं के किले, दतिया का सतखंडा, पीताम्बरा पीठ, हवा महल, जोहर कुंड, खूनी दरवाजा, नौखंडा महल प्रमुख हैं। कैन नदी पर गंगेव जलाशय छतरपुर में है, परंतु यह उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में है। ठीक, फिर आता है हमारा रीवा पन्ना का पठार, विंध्यन कगार प्रदेश। मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर में अवस्थित विंध्यन कगारी प्रदेश के अंतर्गत रीवा पन्ना सतना दमोह सागर जिले की रेहली एवं बांडा तहसील सम्मिलित है। इसमें यहाँ के उद्योग धंधों की बात करें तो सीमेंट कत्था एवं लाख उद्योग हैं। खनिज की बात करें तो खनिज है रीवा में बॉक्साइट, सतना में चूने का पत्थर, हीरा पन्ना में हीरा, सतना के मझगांव में रामरज एवं अन्य खनिजों के सिलिका बालू आदि। प्रमुख नदियों की बात करें तो कैन टॉनसोन बिहार बियरमा आदि। इस पठार में चचाई केवटी बहुटी तथा पुरवा प्रमुख जलप्रपात भी हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सतना में भरभूत स्तूप, मेहर में प्राचीन सादा मंदिर, अलाउद्दीन संगीत अकादमी, चित्रकूट रीवा का किला, गोविंदगढ़ का किला, वसावन मामा की तपोस स्थली जिनकी याद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अमरकंटक इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करेंगे हम लोग मालवा का पठार। मध्य उच्च प्रदेश की पश्चिमी भाग मालवा का पठार कहलाता है। करक रेखा लगभग इसके मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार से करक रेखा गुजरती है। ठीक है, इस पठार में मध्य प्रदेश के 18 जिलों का पूर्ण रूप आंशिक भाग सम्मिलित है। इस पठार में उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, मंदसौर, धार, गुना, भोपाल, रतलाम, झाबुआ, देवास, सागर, साजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, अलीराजपुर तथा आगर मालवा। यह क्षेत्र दक्कन टेप से निर्मित है। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। उद्योग धंधों की बात करें तो यह नागदा का किंतम रेशा, इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन एवं भोपाल में सूती कपड़ा उद्योग, भोपाल में भेल, पीथमपुर का ऑटो मोबाइल, देवास नोट छापने का कारखाना, वीना के आगासोद में तेल शोधन कारखाना आदि। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो पीथमपुर, मेघनगर, मंडदीप, फिलूखेड़ी, गंजवासोदा, मक्सी और नागदा। नदियों की बात करें तो चंबल, कालीसिंध, सोनार, माही, छिपरा, पार्वती, बैतवा, निवाज, तिंदौनी, बरना, बारना, छोटी कालीसिंध। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सांची का स्तूप, विदिशा की उदयगिरी गुफाएं, भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला, महाकाल मंदिर उज्जैन, ये छिपरा नदी के किनारे है उज्जैन, भोपाल की ताजुल मस्जिद, मानव संग्रहालय, इंदौर का राला मंडल अभ्यारण्य, धार में बाघ की गुफाएं, मांडू का किला। मालवा पठार का प्रमुख चोटी है जानापाव एवं धजारी चोटी। इंदौर मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहा जाता है। सीहोर अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है, कुंभ का मेला। फिर है नर्मदा सोन, कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। यह मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है। इसमें 16 जिले हैं, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर। उद्योग धंधों की बात करें तो सीमेंट, कांच, संगमरमर, चीनी मिट्टी उद्योग। खनिज की बात करें चूना पत्थर, मैग्नीज, संगमरमर, कोयला। नर्मदा सोन जोहिला तवा कुंदी दूधी वारना भेड़ाघाट सहस्त्रधारा प्रमुख जलप्रपात हैं।
दर्शनीय स्थलों की बात करें तो जबलपुर में तिगवा मंदिर, रूपनाथ अशोक शिलालेख, नवदा टोली, खरगोन में प्रागैतिहासिक स्थल है, चौरासी योगिनी तथा फिसनहारी मंदिर भी यही है। ठीक, जबलपुर के निकट मदन महल गोंडों की राजधानी थी, महेश्वर महारानी अहिल्याबाई की राजधानी रहा है, नर्मदा घाटी सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य स्थित है। फिर बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक इस श्रेणी की तीन उप विभाजन है, एक राजपीपला श्रेणी, दूसरी मध्य श्रेणी का हिस्सा जिसमें ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी तथा तीसरा भाग मैकाल श्रेणी है जो इसके बिल्कुल पूर्व में स्थित अर्धचंद्राकार भाग है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी का पठार है जहाँ से एक ओर नर्मदा, दूसरी ओर सोन तथा तीसरी ओर जोहिला का उद्गम है नदियों का। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा एवं गोदावरी के बीच जल विभाजक है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत होशंगाबाद, बैतूल, बालाघाट, छिदवाड़ा, सिवनी मंडला, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आती है। यहाँ के खनिजों की बात करें तो मैग्नीज बालाघाट के बखेली में, तांबा मलाजखंड खदान ये भी बालाघाट में, छिदवाड़ी में मैंचीनी मिट्टी, फेल्सपार, छिदवाड़ा में पैंच घाटी से संगमर, बैतूल, छिदवाड़ा, सिवनी, छिदवाड़ा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ की नदियाँ सतपुड़ा के रेंज की। तो इनमें शामिल हैं नर्मदा, ताप्ती, बैनगंगा, तावा, सक्कर, वर्धा, गार। दर्शनीय स्थल हैं पचमढ़ी, असीरगा का किला, बादशाही किला और बीवी की मस्जिद बुरहानपुर में। फिर बात करते हैं हम लोग पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। यह पठार मध्य राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मंडला जबलपुर स्थित है। जिलों की बात करें तो शहडोल, सीधी, अनूपपुर, सिंगरौली, उमरिया, कटनी की मुडावारा तहसील आती हैं इसमें। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में। औद्योगिक क्षेत्र की तो अमलाई पेपर मिल ये शहडोल में है, लाख कारखाना उमरिया में, सिंगरौली ऊर्जा की राजधानी और सीधी। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, फायर किले, कोयला, बॉक्साइट। नदियाँ हैं यहाँ की प्रमुख सोन, टोंस, रिहंद, रेणुका, कनहर, हसदेव, गोपद और बनास। दर्शनीय स्थल हैं अमरकंटक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ कपिल धारा और दुग्धधारा प्रमुख जलप्रपात हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सेल समूहों की बात करें, ये सेल समूह हैं, ये क्षेत्र हैं, ये ग्रेनाइट, आद्य महाकल्प चट्टान, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य खंड, कगार। तो यहाँ से जो प्रमुख खनिज हैं ग्रेनाइट, नीस, सिल, डाइक, फिर धारवाड़ सेल समूह, जीवाश्म का अभाव है इसमें। इसका क्षेत्र है दक्षिणी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड व विंध्य की मध्य पिजावर श्रेणी। ठीक है, चिल्पी श्रेणी बालाघाट और सोनसा श्रेणी छिदवाड़ा। पुराना सेल समूह पन्ना, ग्वालियर, बिजावर श्रृंखला, पन्ना पठार से लेकर सिर्फ ग्वालियर तक विस्तृत है। विंध्य सेल समूह रीवा से चंबल तक, सोनघाटी, भांडे श्रेणी, कैमूर श्रेणी, रीवा श्रेणी। तृतीयक श्रेणी समूह की बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य ये गोंडवाना महाद्वीप को दुहन से दक्षिण पठार का स्वरूप बदला है। गोंडवाना सेल समूह ये सतपुड़ा, बघेलखंड, पैंच घाटी, दिनवा, बागरा, कोयला क्षेत्र तथा पचमढ़ी, महादेव श्रेणी यही है। दक्षिण टेप मालवा पठार, सिंगार सेड़ी, जानापाव, बाग लमेटा निक्षेपणों से निर्मित है। बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत से, प्रमुख पर्वत तो विंध्याचल, कौन सा विंध्याचल, विंध्याचल का कगारी क्षेत्र राज्य में अवस्थित है। यह पूर्व से भांडेर, कैमूर श्रेणी से पश्चिम में मुरैना आदि तक मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है।
अमरकंठक, याद रखना विंध्याचल प्रदेश की अमरकंठक सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। फिर राजपीपला पर्वत श्रेणी, यह पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर पूर्वी में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला पहाड़ी, अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ तथा असीगढ़ पहाड़ियाँ इसी भाग में राजपीपला पर्वत श्रेणी। फिर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, इसे याद रखना है आपको। सतपुड़ा पर्वत, इसकी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी है धूपगढ़, जो कहाँ स्थित है, महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। फिर अगला मैकाल पर्वत श्रेणी, श्रेणी की पूर्वी भाग मैकाल का पठार कहलाता है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। तो ये था हमारा भौगोलिक परिदृश्य मध्य प्रदेश का। आगे बात करेंगे छठवें चैप्टर में, जल संसाधन, ठीक है।